जय जोहार संगवारी मन, मैं काठौर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो राज देखने वाले हैं वो है करेंट का, करेंट 2022 का है ना। इसमें हम मार्च और अप्रैल के करेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद और भी करेंट का जो पार्ट आएगा वो कोशिश करेंगे पटवारी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछ सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मण झूला का निर्माण, ठीक है, लक्ष्मण झूला का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो अगर लक्ष्मण झूला का निर्माण स्थान की बात किया जाए तो ये पाटन दुर्ग में इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन से स्थान पर? पाटन दुर्ग में ठकुराइन टोला नमक स्थान पर। ठीक है, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर भूपेश बघेल द्वारा घोषणा किया गया था। और ये जो लक्ष्मण झूला है इसकी जो लंबाई है वह आपका 225 मीटर। उसके बाद दूसरा है आपका एक और ब्रिज बनाया जा रहा है, सेंट्रल ब्रिज है ना, उसको भी लक्ष्मण झूला नाम दिया गया है। ये आपका राजीव में बनाया जा रहा है, महानदी सोहुल और पैरी नदी के संगम स्थान पर ये सेंट्रल ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर नदी की बात करें तो महानदी, इसका विशेष क्या है? जो राजीव जी मंदिर है, नेश्वर महादेव मंदिर है और नमस्वी मंदिर है ना, वो तीनों को इस ब्रिज माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अगर इस ब्रिज की चौड़ाई की बात करें तो जो लक्ष्मण झूला है सस्पेंशन ब्रिज, इसकी जो चौड़ाई है 325 मीटर है और लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका 610 मीटर है। ये राज्य में सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियन 2022। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? रायपुर में किया गया था। कब से कब तक? 5 से 6 मार्च 2020, दो दिवसीय ये बाइक रेसिंग का आयोजन किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, ये खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा ये बाइक रेसिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने देखा था सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा था, हमारे कक्का जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं। अगला है शिशु संरक्षण माह 2022। ठीक, इसका शुभारंभ 4 मार्च से किया गया था और ये कब तक चला था? 8 मार्च 2022 तक के चला था। इसमें विशेष क्या था? जो 9 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए और प्रोफीलैक्टिक एसिड, और 6 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे थे उसको आयरन और पॉलिक एसिड का खुराक दिया जा रहा था शिशु संरक्षण माह के द्वारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता। ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर के महतराई स्टेडियम में किया गया था। इसमें कुल जो टीम है, कुल जो शामिल टीम है वो आपका 30 है। इसमें 16 पुरुष है, पुरुष और 14 महिला। ठीक, इसमें जो टोटल जो शामिल टीम थे वो 30 थे, जिसमें 16 पुरुष वर्ग से थे और 14 महिला वर्ग से थे। ये विभिन्न राज्यों से यहाँ पर ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर भतरा स्टेडियम आए थे। उसके बाद राज्य स्तरीय महिला अढ़ाई सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, ये कहाँ किया गया था आपका? रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया था। और ये कब से कब तक चला था आपका? 5 मार्च से 8 मार्च 2022 तक की चला था। उसके बाद नेक्स्ट है जैव विविधता पार्क का निर्माण, ये आपका सरगुजा जिले के मैन पार्क में किया जा रहा है। क्षेत्र है ओपा खाल के जो जंगल है उस क्षेत्र में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 160 हेक्टेयर पर ये जो जैव विविधता पार्क है उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल लोक अदालत। इसका जो नेशनल लोक अदालत है ये 12 मार्च को रायपुर के तिलदा और गरियाबंद देवो और राजीव तहसील में लगाया गया था 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त। तो जो छत्तीसगढ़ में टीबी का जो लक्ष्य रखा गया था वो पहले 2023 तक रखा गया था, लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त है उसका जो लक्ष्य है उसको 2023 से बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है। ठीक, और इसमें जो इसके जो रोगी हैं है ना, तो उनके पोषण आहार के लिए राज्य सरकार द्वारा हर माह 500 रुपये का सहायता राशि दिया जाता है। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसके तहत कृषि मंत्रालय द्वारा देश के 17 राज्यों में 54
इंक्यूबेशन केंद्र संचालित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है और छत्तीसगढ़ में 28 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का। ठीक, उसके बाद देखते हैं एक योजना चलाई जा रही है नशा मुक्ति के लिए, वो है आपको भारत माता बहादी, है ना। इसका जो मेन उद्देश्य हो गया है नशा मुक्त करना। इसके अंतर्गत पहले चरण में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक के 10-10 गांव को पहले चरण में शामिल किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के 1460 ग्राम पंचायत को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें इस वाली में कौन सा मिल सकता है, महिलाओं के साथ में अधिक से अधिक 3 पुरुष को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो ये नशा मुक्ति के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसको भारत माता बहादी नशा मुक्ति के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के 10-10 ग्राम शामिल किया जाएगा जहाँ की आबादी 2000 से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट है कौशल्य मातृत्व योजना। कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ 7 मार्च 2022 को किया गया था। ठीक है, 7 मार्च 2022 को कौशल्य मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत जो जिनकी 2 पुत्री है ना, द्वितीय पुत्री के जन्म पर उस महिला हितग्राही को 5000 का सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद है 13 नंबर है बजट बैंक, है ना। इस बार का जो 9 मार्च 2022 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल का 4th बजट जो पेश किया है ना, उसमें जो विशेष था, है ना, जो विशेष था वो क्या था, इस बार जो बैग लेके आए थे वो बहुत ही विशेष था। क्यों, क्योंकि इस बार का जो बजट का बैग था वो क्या था, गोबर पाउडर से बना हुआ बैग था, है ना। और इसका जो निर्माण करने वाले हैं, है ना, जो गोबर पाउडर से जो बैग बनाते हैं उसका निर्माण करने वाले हैं वो है आपका महिला स्व सहायता समूह रायपुर के दीदी नोमिन पाल द्वारा किया गया था। साथ ही इस जो बैग था उसमें एक श्लोक लिखा गया था, उस कौन से श्लोक को, गोमय वस्ते लक्ष्मी, है ना। तो ये श्लोक हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट के बैग में अंकित किया गया था। ठीक है, गोमय वस्ते लक्ष्मी मतलब गौ माता में लक्ष्मी वास करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022। ये राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार, है ना। तो इसके जो प्राप्तकर्ता है वो है आपका मधुलिका रामटेके। ये राजनांद गांव की रहने वाली है। इन्होंने स्वच्छता, पानी की बचाव, है ना, नारी सशक्तिकरण, ऐसे कई अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा इन्हें राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीदी जो हमारे राज्य सरकार द्वारा जो वनवासियों द्वारा जो संग्रहण किए गए लघु वन उपज का जो खरीदी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है वो पहले 3 वर्ष पहले कितना था, 7 था, उसको बढ़ाकर पूर्व में कितना कर दिया गया था, 61 कर दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो हो गई है आपका 65। तो अगर क्वेश्चन आता है खास क्वेश्चन में चांस है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कितने लघु वन उपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 65। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं